हेलो एवरीवन, थंबनेल देखकर तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं। जी हाँ, सही पहचाना, रेवा घाट। गुड मॉर्निंग गाइस, होप एवरीवन इज़ वेल। सो गाइस, गेस करो अभी मॉर्निंग टाइम में मैं कहाँ जा रहा हूँ। रोड देख के तो समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ, ये देखो सामने बोर्ड, रेवा घाट, जिसे दो नामों से जाना जाता है। एक रेवा घाट हो गया और एक नाम और है जिसे गंडक नदी भी बोलते हैं, या गंडक नदी पुल भी बोल सकते हो। तो चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों को रेवा घाट का नज़ारा दिखाता हूँ पूरा कंप्लीट। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये एक NH 102 है जो कि अब इसका नंबर चेंज हो चुका है, अब ये NH 722 हो चुका है। और ये जो आप लोगों को सामने में गेट दिख रहा है, ये अभी हाल फिलहाल बनाया गया है सांसद निधि द्वारा, सांसद के द्वारा बनाया गया ये गेट है। तो चलिए इंटर करते हैं और रेवा घाट के बारे में भी कुछ आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। क्या आपको पता है ये हमारे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक आखिरी विलेज है? जी हाँ, आखिरी गांव है। रेवा पुल जैसे हम क्रॉस करते हैं तो हम दूसरे ज़िला में चले जाते हैं, सारण ज़िला में। अभी हम आपको पुल के नीचे जा रहे हैं, साइड से जो रास्ता है घाट पे जाने का, उधर हम आपको लेके जा रहे हैं। ये देखिए, ये सामने में ये बड़ा सा एक मंदिर है जहाँ पे लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। और अब चलिए मैं आपको शमशान घाट की ओर ले जाता हूँ, गंडक नदी भी कुछ लोग बोलते हैं। और मैं इसकी एक बात और ख़ासियत बताता हूँ, रेवा घाट इतना फेमस क्यों है। तो इसमें तो एक मेला लगता है, आप लोगों को जो लोग यहाँ के हैं नियर बाय उनको पता होगा, कार्तिक पूर्णिमा के आसपास आयोजित होने वाले वार्षिक मेले, रेवा मेले के दौरान रेवा घाट पर लोगों की भारी भीड़ होती है, जब दूर दूर के गांवों से भी लोग गंडक नदी में स्नान करने और मेले में घरेलू बर्तन, फर्नीचर और खिलौने वगैरह ख़रीदने आते हैं। घाट के पास ही नौलखा मंदिर है। रेवा घाट इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शमशान स्थल भी है। जी हाँ, शमशान स्थल भी है। और ये उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों की तरह यह अक्सर गंडकी नदी की बाढ़ से प्रभावित होता है, यहाँ हमेशा बाढ़ आता है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ये देखें, यहाँ पे फार्मिंग भी करते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ये सब का खेती भी करते हैं। और भी बहुत सारे फल हैं जो कि पानी के लगाव से जो होता है तो यहाँ के लोकल फार्मर करते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पानी है तो पानी का लगाव से जो भी फल है, मतलब इनको आसानी से हो जाता है खेती, तो यहाँ के नियर बाय जो फार्मर हैं वो करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखें व्यू, ये सब फार्मर्स के द्वारा खेती किया हुआ है। सामने देख सकते हैं यहाँ पे तरबूज, खीरा, राइच, ये सब का यहाँ पे फल वगैरह का ये सब खेती होता है। और अब चलिए मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये पूरा पूरा जहाँ जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है वहाँ तक ये सब खेती हुआ हुआ है। ये सामने रेवा पुल दिख रहा होगा। अब चलिए पुल के ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। ये रहा पुल के ऊपर का नज़ारा, ये पुल हो गया रेवा पुल। पुल को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो फार्मर्स लोग जो हैं खेती करते हैं, वो यहाँ पे रोड के किनारे तरबूज, खीरा, ये सब यहाँ पे सेल करते हैं, बेचते हैं। ये सब देखिए, ये जितना भी है, पुल को जैसे क्रॉस करेंगे सारण साइड में जैसे जाएंगे, या फिर इधर से जाने में आप सरैया तरफ जैसे जाएंगे, पुल क्रॉस कर, पुल का एंडिंग होगा वहाँ पे, दोनों साइड से ये लोग सेल करते हैं, नीचे से ला करके ऊपर में सेल करते हैं। यहाँ पे अब पुल का एंडिंग हो चुका है, पुल ख़त्म हो चुका। अब हम लोग इधर फिर रिटर्न जा रहे हैं सरैया की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे भी फार्मर्स लोग जो भी खेती करते हैं वो अपना साइड में तरबूज, क्राइच, ये सब लेके रहते हैं। अब ये रास्ता सरैया की तरफ जा रहा है, NH 722। ये देखिए व्यू। सो गाइज, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, बाय।